This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Shaheen Group of Institutions, Acharya PU College, KVN University, BNR PU College, Yusun Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, and by Orbis International School. मैं मोहम्मद फेरोज अहमद कलगुर्ती विलेज का रहने वाला जो कालगी तालुका में आता है. हाल ही में एक न्यूज़ यहाँ पर वायरल हुई कि कालगी तालुका के लक्ष्मी नायक तांडे में कुल 1350 किलो गांजा जब्त किया गया बेंगलुरु पुलिस द्वारा. मेरा ये सवाल है कि कालगी पुलिस स्टेशन लगभग वो जो स्पॉट है लक्ष्मी नायक तांडा वो 1 किलोमीटर दूरी पर है. ये इतने दिनों से रैकेट चल रहा है, ड्रग रैकेट, इसकी इंफॉर्मेशन किस तरीके से रोज वहाँ के सर्कल को नहीं है, ये मेरा सवाल है. मैं सोर्सेस से ये मालूम करा हूँ कि कहीं ना कहीं कालगी सर्कल पुलिस ऑफिस जो है ना इस रैकेट में इन्वॉल्व है या इससे हफ्ता लेकर काम करती थी. और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कालगी पुलिस स्टेशन लिमिट में बहुत सारे ऐसे किराने शॉप हैं जहाँ पर शराब बेची जाती है. 14-14, 15-15 साल के लड़के नशे के आदि हो चुके हैं, जो मजदूर हैं, जो रोज़ खेतों में काम कर अपना गुजारा करते हैं, वैसे लोग शराब के आदि हो चुके हैं. स्कूल जैसे कंपाउंड में बैठ के खुलेआम शराब पीते हैं 14-15 साल के लड़के. और जब लॉकडाउन हुआ, पूरे देश में लॉकडाउन हुआ, उस टाइम पे कालगी तालुका एक ऐसा तालुका था जहाँ पे देसी शराब बना के बांटी जाती थी. कालगी तालुका ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में पंजाब बन जाएगा. इस तरीके से नशा कालगी तालुका से फैला जा रहा है. मेरा नारकोटिक डिपार्टमेंट से और पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और इसके पीछे मुझे सोर्सों से पता चला है कहीं ना कहीं कालगी सर्कल ऑफिस भी इसमें इन्वॉल्व है, इससे हफ्ता लेती थी. और मैंने कई एक बार कंप्लेंट किए हैं मारबूड पुलिस स्टेशन को भी कि यहाँ पर खुलेआम किराना शॉप में शराब रख के बेची जाती है. जो मजदूर हैं खेतों में काम करके उन्हें ये शराब परोसी जाती है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद की जाती है. मेरी इन डिपार्टमेंटों से रिक्वेस्ट है इसके ऊपर इंक्वायरी करें और इसके खिलाफ जो भी हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हों या पुलिस वाले हों, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें. अगर मेरी बात को लाइट लिया गया या सीरियस नहीं लिया गया और इंक्वायरी नहीं की गई तो मैं आने वाले दिनों में एसपी ऑफिस के पास बैठ के धरना करूंगा और तमाम देहात के लोगों को लेके आके एसपी ऑफिस के सामने धरना करूंगा. दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आचार्य पीयू कॉलेज, केवीएन यूनिवर्सिटी, बीएनआर पीयू कॉलेज, यूसन फैब्रिक्स क्लोथ स्टोर, श्वेता डेंटिस्ट्री एंड बाय ऑर्बिस इंटरनेशनल स्कूल.